हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी आज से हम नदियों का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लगभग 10 या 12 लेक्चर में कवर करेंगे। 10 या 12 लेक्चर इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट यानी नदी तंत्र, उसके बाद पढ़ेंगे हम उसके ऊपर क्वेश्चंस। जैसे कि सबसे पहले पढ़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन, फिर गंगा नदी तंत्र, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत मतलब अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, फिर उनके ऊपर क्वेश्चन, फिर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। फिर सिंधु नदी तंत्र और उसके ऊपर क्वेश्चंस। तो लगभग 10-11 वीडियो में ये पूरा नदी तंत्र कवर होगा। इसे करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन शायद ही छूटे नदियों से, ठीक है। कराने को एक वीडियो भी करा देता, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे आपका भी टाइम बर्बाद हो, मेरा भी टाइम बर्बाद हो। करेंगे तो अच्छे से करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं, ठीक है। जो हम जब ये नदियाँ पूरी कर लेंगे, फिर उसके बाद एक मास्टर वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके अंतर्गत एक वीडियो में सारी नदियों का एक रिवीजन हो जाएगा। आपको बस वीडियो को अच्छे से सुनना है, क्योंकि नोट्स आप वीडियो के नीचे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। केवल आप अच्छे से जितने मिनट की वीडियो है उसे अच्छे से सुनते रहिए। सुनने के बाद जब वीडियो पूरी होगी तो शायद ही कोई आपको डाउट बचेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र मतलब ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ एक जाल सा बनाती हैं, उन्हें कहते हैं तंत्र। यानी ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मपुत्र हमारी निकलती कहाँ से है। तो ब्रह्मपुत्र हमारी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से निकलती। कौन सी हमारी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का नाम, जब वो मानसरोवर झील से निकलती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, बल्कि सांगपो होता है, ठीक है। अब समझिए ग्लेशियर और झील। मान लीजिए आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, जब वो पिघलेगा तो उससे पानी बहेगा। जब पानी बहेगा, मान लीजिए वो किसी गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है, तो जो गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है वो है झील, और जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो है ग्लेशियर। यानी ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के, ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये निकलती है मानसरोवर झील से, जब इसका नाम होता है सांगपो। यानी ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत या चीन में इसका नाम होता है सांगपो, उसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये अब क्वेश्चन बनता है कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, किन किन राज्यों से होकर बहती है, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो उसके बाद ये निकलने के बाद इसे सांगपो कहा जाता है। सांगपो नदी उसके बाद पूर्व की ओर बहती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपको याद रखना, यांगयाप दर्रा या फिर हमारा नामचा बारवा पर्वत, ठीक है। दो नाम याद रखने, या तो यांगयाप दर्रा, दर्रा यानी जब नदियाँ बहती हैं तो एक गड्ढा बना देती हैं, इसे कहते हैं दर्रा, ठीक है ना। ये एक जो बीच में लाइन सी बना देंगी, जब नदियाँ पानी बहेगा तो एक, आप नाली देखते हैं, नाली गहरी हो जाती है, तो वो ही होता है दर्रा, इस तरीके से समझ लीजिए। तो यांगयाप दर्रे से एंट्री करती है पहाड़ को काटकर, और जिस पहाड़ को काटती है उसका नाम है नामचा बारवा पर्वत। नामचा बारवा पर्वत जो है वो हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है, यानी भारत का सबसे लास्ट पर्वत है हिमालय का। कौन सा? नामचा बारवा पर्वत, जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। नामचा बारवा पर्वत या फिर यांगयाप दर्रे को काटकर जब नदी प्रवेश करती है भारत में, तो वो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है देहांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे देहांग, दिबांग, लोहित, ठीक है, देहांग, दिबांग, लोहित, ये नदियाँ आकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अब भी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है, यहाँ पर भी अभी इसका नाम देहांग है। क्या है? देहांग है। देहांग की एक सहायक नदी है लोहित। कौन सी? लोहित। देहांग यानी ब्रह्मपुत्र, उसकी एक सहायक नदी है लोहित। लोहित को खूनी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? खूनी नदी कहा जाता है। खूनी नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल मिट्टी से होकर बहती है। जब लाल मिट्टी से होकर बहती है तो इसका पानी लाल हो गया है। जब इसका पानी लाल हो गया तो इसे कहा जाता है खूनी नदी, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, तो आपका आंसर होगा नामचा बारवा पर्वत या फिर यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे को काटकर किस राज्य में प्रवेश करती है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये वाला हिस्सा है हमारा अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहा जाता है, जबकि चीन में इसे सांगपो कहा जाता था। ठीक है, इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है लोहित। लोहित को खूनी नदी कहते हैं। खूनी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि लाल मिट्टी से होकर बहती है, जिसके कारण इसका जल लाल हो गया है। ठीक है, इसकी और सहायक नदियां देहांग, दिबांग और लोहित। देहांग जो इसकी जो लोहित नदी है, लोहित नदी पर एक ब्रिज स्थित है जिसे कहते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि सबसे बड़ा नदी के ऊपर पुल है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी के ऊपर पुल है जिसकी लंबाई लगभग 9.14 किलोमीटर है। ठीक है, किस नदी पर है? तो वो है हमारा लोहित नदी पर, जिसे हम खूनी नदी कहते हैं। वो कहां से कहां तक है? तो वो ढोला, ठीक है ना, मतलब सदिया से लेकर और ढोला तक है। सदिया यानी असम में पड़ता है और ढोला यानी हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो जो हमारा भूपेन हजारिका ब्रिज है वो हमारा सदिया से लेकर ढोला तक है। सदिया हमारा असम में पड़ता है और ढोला हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है असम में। कहाँ पर? असम में। इस नदी का असम में सर्वप्रथम नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नाम सबसे पहले सांगपो नदी का कहाँ पर पड़ता है? तो आपका आंसर होगा असम में पड़ता है। ठीक है, असम में रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी क्या होती है? जब नदी को कोई स्थान नहीं मिलता बहने के लिए तो वह पतले से रास्ते में होकर बहती है। आप सभी ने देखा होगा जो मोटर लोग होते हैं वो रैंप करते हैं। रैंप किस पर करते हैं? एक आगे की ओर निकला सा चबूतरा सा होता है, रास्ता सा होता है, उस पर रैंप करते हैं, वो पतला सा होता है। उसी प्रकार जब नदी को जगह नहीं मिलती है बहने के लिए तो वो एक पतले से रास्ते में होकर बहती है, जिसे कहते हैं रैंप। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में एक रैंप घाटी में बहती है। कहाँ से कहाँ तक? तो सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक। सदिया जहाँ से हमारा भूपेन हजारिका ब्रिज शुरू होता था ढोला तक अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से बहती है नीचे की ओर, यानी सदिया से लेकर धुबरी पट्टी, यहाँ तक धुबरी पट्टी तक। सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक असम में ब्रह्मपुत्र नदी हमारी रैंप घाटी में होकर बहती है। रैंप घाटी में बहने का कारण यह है कि इसके उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत व दक्षिण में इसमें मेघालय का पठार है। पठार होने के कारण इसे स्थान नहीं मिल पाता बहने के लिए, इसलिए पतले संकीर्ण रास्ते में होकर बहती है, जिसके कारण इसे कहते हैं रैंप घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक, रैंप घाटी में होकर बहती है। रैंप घाटी में बहने के कारण इसमें एक द्वीप का निर्माण हुआ है। क्या हुआ? द्वीप का निर्माण हुआ है, जिसे कहते हैं मांझली द्वीप समूह, मांझली नदी द्वीप समूह, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है। हालांकि द्वीप बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि मांझली से बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे किस में है? सागरों में है, ठीक है ना, समुद्र में है। लेकिन जो मांझली नदी द्वीप समूह है वो हमारा नदी पर है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि किसी नदी पर है। द्वीप यानी पानी में उभरा हुआ एक हिस्सा, स्थल, ठीक है, नदी में उभरा हुआ एक स्थल। इतना बड़ा हिस्सा है कि इसे एक जिला भी घोषित कर दिया भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने इसे एक जिला भी घोषित कर दिया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। आपको ये बात याद रखनी है। और दूसरी बात इससे याद रखनी है कि इसे 2006 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। कब? 2006 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ जाता है? जमुना। बांग्लादेश में इससे एक नदी आकर मिलती है जो कि सिक्किम के जेमु ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिक्किम के जेमु ग्लेशियर से। कौन सी? तीस्ता नदी। कहाँ पर आकर मिलती है? ब्रह्मपुत्र में, बांग्लादेश में आकर मिलती है। ठीक है, बांग्लादेश में नदी आकर मिलती है, जेमु ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी, बांग्लादेश में आकर मिलती है। बांग्लादेश में एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंगा। गंगा निकलती है हमारी कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। पहला हमारा उत्तराखंड, जहाँ से इसका निर्माण होता है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और पाँचवा पश्चिम बंगाल। इसकी सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में, सबसे कम लंबाई झारखंड में है। फिर ये फरक्का नामक स्थान पर आकर दो भागों में टूट जाती है। पहला जो दक्षिण की ओर नीचे चली जाती है धारा, जिसे वितरिका कहते हैं, उसे कहते हैं हुगली नदी। कोलकाता हमारे हुगली नदी पर स्थित है और हुगली नदी पर दो द्वीप स्थित है, न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। जो मुख्य धारा जो सीधी निकल जाती है उसे कहते हैं भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी ही हमारी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा। जब पद्मा यानी भागीरथी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। यानी इस वाली संयुक्त धारा को यहाँ से यहाँ तक पद्मा कहा जाता है।
पद्मा नदी में एक नदी आकर मिलती है, मणिपुर से निकलती है, जिसका नाम है बराक नदी या फिर मेघना नदी। कौन सी? बराक नदी या फिर मेघना नदी। जब बराक नदी या मेघना नदी पद्मा में आकर मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा को कहा जाता है पद्मा। अब पद्मा ही अंतिम रूप से अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब समझिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कितने देशों से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बहती है, तो आपका आंसर होगा तीन। कौन कौन से? पहला, इसका निर्माण हुआ था कहां पर? चीन में। दूसरा, प्रवेश किया था नामचा बरवा पर्वत या फिर यांग्याप दर्रे से भारत में। और तीसरा, जहां पर बांग्लादेश में चली गई, जहां पर इसका नाम पड़ा जमुना। यानी तीन देशों से होकर बहती है, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। ये भारत के मात्र दो राज्यों से होकर बहती है, पहला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। पहला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। मेघालय में नहीं जाती है, जबकि मेघालय व असम की सीमा बनाते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जमुना। अब पूछेगा कि पद्मा व जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है पद्मा। अब पूछेगा कि जब उसमें कौन सी नदी आकर मिलती है पद्मा में, जब उसका नाम मेघना पड़ता है, तो आपका आंसर होगा मेघना या फिर बराक नदी। मेघना नाम इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपको सीधा पता पड़ जाएगा इसका दूसरा नाम है मेघना का बराक, तो ऑप्शन में बराक देगा। बराक नदी आकर मिलती है और इनकी संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। मेघना ही अंतिम रूप से अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और मेघना निकलती कहां से, तो आपका आंसर होगा मणिपुर से। ठीक है, इसकी कुछ आपको सहायक नदियां याद रखनी है, जैसे कि देहांग, दिबांग, लोहित, सुबनासिरी, पिथुमारी, पगलादिया, ठीक है, तीस्ता, जिया भरेली, ये आपको नाम याद रखने हैं। एक और चीज, जो इसकी सुबनासिरी नदी है, सुबनासिरी सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है कहां पर? असम में आकर मिलती है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा वो है सुबनासिरी या फिर सुबनसिरी, जो कि असम में आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। ये चीजें आपको याद रखनी है। एक और चीज, सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह था हमारा कौन सा? माजुली नदी द्वीप समूह, जो कि विश्व का सबसे बड़ा था, ब्रह्मपुत्र नदी पर था और 2006 में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। अब पूछ ले ब्रह्मपुत्र का सबसे छोटा नदी द्वीप समूह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा उमांदा, जो कि विश्व का सबसे छोटा नहीं है लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे छोटा द्वीप है। कौन सा? उमांदा। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा मांजुली और सबसे छोटा उमांदा। ठीक है, अब पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900 किलोमीटर। और इसकी भारत में लंबाई कितनी है, तो इसकी भारत में लंबाई है 917 किलोमीटर। कितनी? 917 किलोमीटर। टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर और जो भारत में है वो है 917 किलोमीटर। ठीक है, आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। जिन बच्चों ने नोट्स डाउनलोड नहीं किए वो नोट्स डाउनलोड कर ले, लेक्चर को अच्छे से सुने। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करें लेक्चर को देखकर। नोट्स क्या है? नोट्स तो आपको मिल ही जाने, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके आपको वीडियो के नीचे या फिर ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो देखिए और हो सके तो इसे शेयर करना, और चैनल को, अगर वीडियो जो देख रहे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। ठीक, अब हम करते हैं एक बार रिकॉल हमने क्या क्या पढ़ा। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बस बोर्ड पे देखते ना, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से निकलती है, जिसे यहाँ सांगपो कहते हैं। सांगपो फिर भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे या फिर नामचा बरवा पर्वत से। नामचा बरवा पर्वत हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है, हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है देहांग। देहांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सहायक नदी है देहांग, देहांग, दिबांग और लोहित। जो हमारी लोहित नदी है वो लाल मिट्टी से होकर बहती है, जिसके कारण उसका जो जल है वो लाल हो गया है, उसे कहते हैं खूनी नदी। लोहित नदी पर ही एक पुल स्थित है जिसे कहते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि सबसे बड़ा किसी नदी के ऊपर पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 9.17 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद ये असम में प्रवेश करती है। असम में ये सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक रैंप घाटी यानी पतले से रास्ते में होकर बहती है। उसके बाद ही हमारी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। जमुना में गंगा यानी पद्मा आकर मिलती है। जमुना व पद्मा की संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। पद्मा में मणिपुर से एक नदी निकलती है, बराक नदी या फिर मेघना नदी आकर मिलती है, तो फिर पद्मा व मेघना की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। मेघना ही अंतिम रूप से अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में।
बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश में एक और नदी आकर इससे मिलती है, तीस्ता, जो कि जेमू ग्लेशियर से निकलती है सिक्किम में। ठीक है, ये तीन देशों से होकर बहती है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश, जहां पर इसे जमुना कहा गया था। चीन में इसे सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में इसे सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ा हमारा जमुना। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सहायक नदी। इसकी सहायक नदी है दिहांग, दिबांग, लोहित, पिथुमारी, पगलादिया, ठीक है, तीस्ता, जिया भरेली और सुबनाश्री। सुबनाश्री नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र में असम में आकर मिलती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है मांझली नदी द्वीप समूह, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है और ये 2006 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। ठीक है, इसका सबसे छोटा नदी द्वीप समूह है उमादा, जो कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप समूह नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे छोटा नदी द्वीप समूह है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 917 किलोमीटर है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। भारत के दो राज्यों से होकर बहती है, पहला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम, उसके बाद चली जाती है हमारी बांग्लादेश में। ठीक है, ये चीज़ें हमने ब्रह्मपुत्र नदी से आज समझी। नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में नहीं हो पाएंगे तो एक वीडियो हम दो तीन नदियां करने के बाद एक वीडियो बना देंगे, जिसमें लगभग 100-125 क्वेश्चन कर लेंगे नदियों के ऊपर, दो तीन नदी तंत्र के ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करना जरूरी है, एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं कि मैप बनाइए। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स, और बस कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए मेरे साथ। आने वाले टाइम में आपको अपने आप में एक फ़र्क दिखने वाला है, तो अभी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप नोट्स डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।